की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज न्यूज। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सफलता और लोकप्रियता दोनों के ही शिखर पर हैं। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद माही अपना सारा समय खेती और डेयरी के साथ साथ मुर्गा पालन पर देते हैं। हालांकि अभी भी वह आईपीएल खेल रहे हैं और वह चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी का यह फार्म हाउस रांची के सैम्बो में है, जिसको लोग इजा फार्म हाउस के नाम से जानते हैं, जहां पर माही करीब 43 एकड़ जमीन में सब्जी और फलों की खेती करते हैं। साथ ही यहां पर डेयरी भी बनी हुई है। वहीं मछली पालन के लिए 2 तालाब भी बनी है। वहीं ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ गेहूँ की भी खेती हो रही है। माही ने अपने इस फार्म हाउस में बड़े पैमाने पर स्ट्रॉबेरी, पपीता और अमरूद की खेती कर रहे हैं। इसके लिए वह उन्नत किस्म की बीज देश के अलावा विदेश से लेकर आए हैं। वहीं धोनी के एग्रीकल्चर कंसल्टेंट रोशन कुमार ने बताया कि माही का खेती में बड़ी दिलचस्पी है। वह समय समय पर यहाँ आते रहते हैं और खुद काम करने लग जाते हैं। फलों के अलावा धोनी के इस फार्म हाउस में बड़े पैमाने पर सब्जी की भी खेती होती है। वहीं माही के फार्म हाउस में होली के खास मौके पर 3 दिनों का स्ट्रॉबेरी पर 2 buy 1 get 1 का ऑफर दिया जा रहा है। दरअसल होली के मौके पर माही के फार्म हाउस में आप 17 से 19 तक यहां पर आकर इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने परिवार के साथ यहां आकर माही के फार्म हाउस में हो रही फार्मिंग को नज़दीकी से देख सकते हैं। माही के फार्म हाउस में 2.50 ग्राम स्ट्रॉबेरी की कीमत 50 रुपये है, जिसकी क्वालिटी मार्केट में मिलने वाली स्ट्रॉबेरी से कई गुना बेहतर है। इजा फार्म, माई भैया के इजा फार्म में आप देख सकते हैं कि बहुत सारा चीज़ क्रॉपिंग किया गया है 43 एकड़ के इस फार्म में। आप यहाँ पे वाटर मेलन देख सकते हैं, मस्क मेलन देख सकते हैं। कुछ हम लोग वाटर मेलन का इस बार अनोखा वेराइटी भी लगाने का कोशिश कर रहे हैं, जिसका पल्प पीला कलर का होता है। स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, एप्पल बेर और कैप्सिकम। अभी हम लोग वीट के खेत में जो गेहूँ CRD1 वेराइटी लगाए गए हैं, इसमें आपका जिंक कंटेंट ज़्यादा मिलेगा 42 PPM के आसपास, जो नॉर्मल गेहूँ के मुकाबले 10-11 PPM ज़्यादा होते हैं। और आपको इसमें टेस्ट वेट भी इसका ज़्यादा है, क्योंकि इसका ग्रेन का साइज़ जो है बड़ा होता है, 52 ग्राम के आसपास इसका टेस्ट वेट आता है। तो ये हम लोग ट्रायल बेसिस पे 1 एकड़ में लगाया है खुद कंजम्पशन के लिए। इसका मार्केटिंग हम लोग नहीं करेंगे, इसको खुद कंजम्पशन के लिए हम लोग ले लाया है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक। हाँ, इसको हम लोगों ने ऑर्गेनिकली ट्राई किया है। अभी हम लोग ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं मिला है तो हम लोग ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते हैं, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ ना करें। हम लोग ऑर्गेनिक, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गया, अमृत जल हो गया, केचुआ खाद हो गया, ये सब कुछ हम लोग मिला के, वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद एक ही चीज़ हो, सब कुछ हम लोग मिला के हम लोग खेती करना कोशिश करते हैं। फसल या सब्जी के अलावे अगर बात करें तो और क्या, जैसे मछली पालन, मुर्गी? हाँ, जैसे यहाँ पे आप इस पूरे फार्म को हम लोगों ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के तौर पर हम लोग करने जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में आपको क्या क्या मिलेगा कि आपको कैटल फार्मिंग भी यहाँ पर मिलेगा, फिशरीज भी मिलेगा, डकरीज भी मिलेगा, फिर जो भी क्रॉपिंग हो रहा है वो क्रॉपिंग भी मिलेगा, फिर पोल्ट्री के लिए पोल्ट्री फार्मिंग, गोटरी के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं, गोटरी का भी हम लोग स्टार्ट करने का कोशिश करेंगे, फिर तालाब जो देखे फिशरीज के लिए। तो ऐसे सारा कुछ को, एक सारे कंपोनेंट को एक साथ मिला के इसी फार्म में इनकॉर्पोरेट किया गया है कि वो सारे मिल के एक दूसरे से काम करें। तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS जो हम लोग बोलते हैं उस पर काम किया जा रहा है। कड़कनाथ मुर्गा का इन दिनों बहुत चर्चा है, वो अवेलेबल है क्या है? कड़कनाथ मुर्गा जैसे हम लोग टेस्टिंग पे रखा था, पिछले साल से ही रखा था, अभी भी कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन अभी हम लोग उसको बेच नहीं रहे, हम लोग उसको लार्ज स्केल में करने का कोशिश और कर रहे हैं। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।